जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये कच्चा बना है, पक्का बना है, तो उसी आके मुझे कच्चा बादाम ब्रो अलग ही। ओ एक ही बंदा है इस पूरे सीन पाजी, मुझे समझ में आ रहा है। ओके वो एमसी स्टैन को भाई, ही गोना बी द लिल वेन ऑफ इंडिया। जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत लिल वेन जैसी भाई बात है। शब्द नहीं है भाई, पाजी ने तारीफ करी है यार। सो गाइज पहले आप ये थंबनेल देख लो, ये सारी क्लिप हम दिखाएंगे तो मैं एमसी स्टैन की। सो गाइज वेलकम है आपका अपने चैनल में, मतलब मेरे चैनल में, आपका चैनल सबों का एक है। एमसी स्टैन की बहुत ग्रेटेस्ट वीडियो दिखाएंगे आज, मतलब दिस वीक का जो भी धमाका हुआ होगा ना, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया सब, कैसी क्लिप होने वाली है, मतलब साजिश सारे हैं, सलमान सारे हैं और एस्ट्रोलॉजर वगैरह है, तो सब क्लिप इसमें इन्वॉल्व है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करके वीडियो एंजॉय करो, पूरी वीडियो देखना। तो गंद बोलता जाता तब देखो कि आपका जो करियर उसके बाद 3-4 महीनों में चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। कैन यू रिलेट इट? सो ये लेसन क्या है? अगेन लाइक आई गेव निमृत वन लेसन फॉर यू, द बिगेस्ट लेसन इज टेक क्रिटिसिज्म विद अ स्माइल। फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, लाइफ बढ़िया होने वाली है। कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है, कोई नया ब्लॉकबस्टर गाना आने वाला है जो सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसमें एस्ट्रोलॉजर की तो जरूरत ही नहीं थी, उसका हर एक सॉन्ग भाई स्टैन का सब रिकॉर्ड तोड़ ही देता है, जो भी सॉन्ग डलता है वो रिकॉर्ड तोड़ ही डलता है। तो इसमें लगता है आप लोगों को ये एस्ट्रोलॉजर ने कुछ अलग बोला है, हर किसी को पता है जिस बंदे के मुंह से कुछ शब्द निकल जाए नॉर्मल वो सेवेज रिप्लाई बन जाता है। तो यार उसको जरूरी है क्या उसका सॉन्ग आगे आने वाले टाइम पे हिट होंगे? भाई उसके सब सॉन्ग हिट जा रहे हैं अब अंदर बैठे बैठे। क्या खा रहा है? ओ छेड़ रही है। छेड़ रही हूँ। कौन? अभी उल्टा हमें ही छेड़ने लग। इधर तक आ। What? बोल दे और बोल के तुरंत चला जा। क्या बोलूँ यार अभी? क्या बोलूँ यार? क्या विषय है? शब्द कम पड़ रहे। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। है ये भी खूब मूड में। नको यार। नको। नको यार। मोमेंटम है। मोमेंटम है। सबसे सुपर एक ही बंदा है इस पूरे सीन पाजी, मुझे समझ में आ रहा है। ओके वो एमसी स्टैन को भाई, ही गोना बी द लिल वेन ऑफ इंडिया। जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत लिल वेन जैसी भाई बात है। शब्द नहीं है भाई, पाजी ने तारीफ करी है यार, वो दो बार कर दी यार लिल वेन। ये मैं देना चाहूंगी जैन को जो पीछे से वार करते हैं, हाँ किसी की आड़ में आकर वार करते हैं, पीछे से खरोंचते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तेरी में की छुत लौड़े जाड़े नान की क्या दूसरे दिन है रहने का है ना, इधर बॉम्बे में रहने का है ना, रहने का है ना। दीका तो कैसा उठा था घर से? बिग बॉस का विनर कौन है? कर दो। और मुझे एमसी स्टैन के बारे में बिग बॉस से पहले पता नहीं था, बट आई थिंक पीपल आर क्रेजी ओवर हिम, ही इज रियली फेमस। ऑल माय कजन्स एवरीवन आर लाइक रियली क्रेजी फॉर एमसी स्टैन फॉर हिज म्यूजिक। ये तो है गाइस, एक सेकंड, ये तो है, मतलब जो स्टार की, मतलब बॉलीवुड की जो दुनिया थी, एमसी स्टैन को इतना नहीं जानते थे बिकॉज उसके गाने थोड़े इस लेवल पे होते थे जो हर कोई नहीं सुनता था, अलग उसको जज करता था। बट बिग बॉस के थ्रू यार उसके जो नेगेटिव फैन थे ना, वो एक पॉजिटिव फैन में आ चुके हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े स्टार अब देख लो, इनको भी ये भी नहीं जानती थी, ये फैक्ट है। बट जो एक घमंड होता है ना, मैं स्टैन को नहीं जानती थी, यहाँ आके पता चला है, वो एक घमंड वेज लगता है। बट यहाँ ये सही बोला इन्होंने कि मैं नहीं जानती थी, बट उसके हिसाब से मैं जान गई, तो मैं उसकी फैन हो गई। मतलब
धमक इस बंदे में 4-6 महीने में अपना फैन बना लिया इतने सबों को यार। लाइक करो। देखो यार एक ही बंदा है जो के मेरे बाद वो रोल प्ले कर सकता है, वो है एमसी स्टैन सुल्तान। ओ सुल्तान का रोल। I will nominate the lost category. ऐसी बात कर दी बिग बॉस आपने। बहुत खुश थे ये लोग। लॉस्ट जो है उनको नॉमिनेट करना चाहूंगा। मैं बिग बॉस में लॉस्ट कैटेगरी को नॉमिनेट। टेंशन नहीं लेने का। पब्लिक है। सुबह का जब ब्रेकफास्ट बनता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये कच्चा बना है पक्का बना है, तो उसी आके मुझे अरे कच्चा बादाम ब्रो अलग ही कच्चा बादाम। अकेले खेलो फिर आप भी रिपीट कर सकते हो। बढ़िया था, इसकी आवाज लगती भी वैसी है यार। नाचता है थोड़ा म्यूट किया है गाइस, पूरा सॉन्ग तो नहीं डाल सकते हम। खूब नाच रहा है इस टाइम, ये लास्ट जाते जाते खूब नाच रहा है। ये तब ये बचकाने बचकाने बिग बॉस के अंदर आ सकते हैं, जो बोलते हैं कि मस्सी हजार का जूते पहनते हैं बटन का 80 किलो वजन नहीं। इधर दिखा ना उधर मार डालेंगे लवूड़े। रोल ही अलग है यार इसका। मैं ही जीतूंगा। ओहो इनवॉल्व छोड़ो मैं ही जीतूंगा। हर वीकेंड के बारे में बोलूंगा। अभी मेरे को जीतना है। सॉरी यार मैं बहुत देर से इन्वॉल्व नहीं था, अभी टाइम आया है। मैं हाइप कर दले मैं हाइप कर देगा अपन। हर बार बोलूंगा नहीं का हर बार। और छोड़ो ओ गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और शाउटआउट के लिए कमेंट कर दो। कर दो भाई सब करो। सुबह सुबह कैसा फुटेज लेने आई थी अब्दू के बाजू में कि अब्दू फेमस है, तो हाथ छोड़ रहा हाथ फेंक रहा तभी भी गले लगा रही। बताओ क्या कौन से फुटेज बादरी तेरा सुन के चल निकलू क्या? मेरे दोस्त लोग रुके ले शेमड़ी जा अलग ही है यार। फेवरेट है कंटेस्टेंट से आपका बिग बॉस है एमसी स्टैन। सेम एमसी स्टैन इनकी वजह से फॉलो करे बस उसके। और किसी 10 साल से कभी नहीं, मतलब कोई से भी सीजन नहीं, बस 16 ही देख रहे स्टैन की वजह से। और किसकी वजह से नहीं और कोई नहीं, बाकी सब तो छपरी है। देखने में जरूर बिकॉज एमसी स्टैन आया उसमें, बाकी सब छपरी है। ओके के शूज घर जाएंगे इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा। बादशाह हाँ ऐसी बात करते हैं माम ये, अरे भाई अच्छा है ये एमसी स्टैन की तारीफ बादशाह भाई है। सब क्रेज अलग है भाई बंदे का। चेंज करते हैं अभी वो भाई सब लेकर मेरे को रहने का, अभी मेरे को जीत के जाने का है। अब तू भी दिखाएगा मैं गेयर बजना है प्यार दूसरे दिन।
लाइक करो गाइस स्टैन के फैन। एक्शन इज ओवर, आई होप भाई आपने एंजॉय करी हो एमसी स्टैन की सारी क्लिप। तो इसी बात पर भाई लाइक तो बनता है, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो ऐसे ही अपन वीडियो लाते रहेंगे, एमसी स्टैन को सब जगह से कवर करेंगे। भले ही कोई भाई बिग बॉस नहीं फॉलो कर पा रहा हो तरीके से, पर एमसी स्टैन की वीडियो फॉलो कर लो, वो ना ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि बिग बॉस में चल क्या रहा है गाइस। सीरियसली यार एमसी स्टैन कुछ भी अपने मुंह से बोल देता है तो वो एक सेवेज एटीट्यूड ठग लाइफ कुछ भी बन जाता है यार। मतलब उसी बात को ले लो, वो खाने को लेकर कुछ बात करती है तो साइड पकड़ के बोल देता है कच्चा बादाम बिरो यार। मतलब वो नॉर्मल एक वर्ड है, मतलब उसको एडिट वेडिट करके ना ऐसा लगा कि इनने क्या जवाब दिया है। अगर कोई कर रहा एडिटर बैठ गया ना पूरे बिग बॉस को लेके, तो हर एक दो मिनट बाद एमसी स्टैन की क्लिप निकलेंगी सेविज रिप्लाइज और रिएक्शन चैनल वाले पागल हो जाएंगे इकट्ठा कर करके। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करना सब्सक्राइब करना यार। मेरी वीडियो को भी 10-20 हज़ार के पे पहुँचा दिया करो, हर किसी की पहुँचा देते हो तो फिर हम भी और अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाएंगे ना तुम्हारे लिए, अगर हमारी पहुँचती है तो। ठीक है, सो गाइस मिलता है किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।